हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्त स्टारो आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट व्हाट कैन वी हैव फॉर यू एक्वेरियस बोलने वाली थी मैं केपरकॉर्नस लेट अस सी वॉट डज द यूनिवर्स है यू एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा जितना रेजनेट कर रहा हो उतना ही लेना डोंट फोर्स एनी मैसेज ऑन योर सेल्फ एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं लेटस सी ऑगस्ट फर्स्ट हाफ़ आपके लिए कैसा बीतेगा क्या एक्सपेक्टेशनस या मैसेज वॉट शुड यू नो हम सब कुछ चेक करेंगे okay why is it all reversed interesting okay bottom deck energy hai the ace of swords don't worry reverse matlab negative hai aisa koi bhi baat nahi hai first of all शुरू करते हैं आपके love situation से um capricorn

या तो आपका कोई फिज़िकल फीचर है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है जैसे कि आपके हेयर आपके आईज या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल आपके शूज़ समथिंग अबाउट यू जो लोगों को यू you नो know, लोग नज़र डाल रहे हैं जिसपे कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक ये आप हो जो थोड़ा सा किसी से जलस फील कर सकते हो नाउ ये सिचुएशन के ऊपर बेस करके मैटर करता है uh, जैसे आपको रेजोनेट करें आप वैसे ही लेना इस मैसेज को बिकॉज आई फील फॉर सम ऑफ़ यू आप थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो इस टाइम पे जब बात आते हैं आपके लव सिचुएशन की कुछ लोग हैं आप में से जो um, किसी किसी कपल को देख रहे हो या हाँ किसी कपल को देख रहे हो किसी पर्सन को देख रहे हो सेम जेंडर के एंड आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो या अपने रिलेशनशिप को उससे कंपेयर कर रहे हो कि ये लोग इतने खुश हैं या इन लोगों के पास ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए या हमें भी ऐसे रहना चाहिए ऐसे बात करना चाहिए ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर um, आप किसी को देख रहे हो एंड आप लग रहे हो आप सोच रहे हो कि इस पर्सन के हेयर्स इतने अच्छे हैं इस पर्सन का स्किन इतना अच्छा है इस पर्सन का बॉडी शेप इतना अच्छा है सो so, आप कुछ ना कुछ कंपैरिजन कर कर रहे हो या आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी से जो काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आप पे बिकॉज़ यू नो ऐसी करने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है के प्रकॉर्नस बिकॉज यूनिवर्स इज काइंड ऑफ पुटिंग यू इन अ सिचुएशन जहाँ पे इट इज़ टाइम यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ या आप ख़ुद को अप्रीशियेट करो अगर आपको लग रहा है आप अपने बारे में कुछ चेंज करना चाहते हो इट इज़ ओके आप उस चेंज को बिल्कुल ला सकते हो बट इसलिए नहीं बिकॉज आपको लाइक डोंट फॉलो द द खलीशे ब्यूटी स्टैंडर्ज एंड ऑल दैट स्टाफ एंड सोशल मीडिया एंड मॉडलिंग एंड ऑल दैट वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है एंड uh, अगर ये नहीं है तो आई फील फॉर सम ऑफ यू दूसरे लोग ऐसा जल रहे हैं या जेलस फील कर रहे हैं या बहुत कॉम्पिटिटिव फ़ील कर रहे हैं जब ये लोग आपको देख रहे हैं ओके okay? सो so, इसीलिए मैंने कहा टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रहा है जानना वो आपके लिए है जब मैं बात करूँ आपके पर्सन की आई फील लाइक ये पर्सन किसी uh, साइलेंस से बाहर आ रहे हैं अगर ये नो no कांटेक्ट चल रहा था आई फील ये पर्सन आपको रीच आउट कर रहे हैं या किसी के थ्रू ये रीच आउट कर रहे हैं लाइक like, या तो ये डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं या तो इनडायरेक्टली लाइक like, किसी से uh, कुछ बुलवा रहे हैं कोई मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं या मे बी आई एम ऑल्सो हियरिंग आपको अनब्लॉक कर रहे हैं किसी साइट सोशल मीडिया वगैरह से या फिर uh, कुछ रैंडम इनडिरट साइन का साइन भेज रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा होप आपका जग रहा है जैसे कि uh, अगर आप लोग सेम ऑफिस में काम कर रहे हो मे भी ये सडनली आपको देख के एक दिन स्माइल कर दिए या um, कुछ कह दिए या समथिंग छोटा सा छोटे से छोटा कुछ एक्शन या जेस्चर जो देख के आपको लग सकता है कि हाँ अभी भी ये इंटरेस्टेड है या हाँ ये सच में एक्शन लेंगे या यू you नो know, थोड़ा सा होप आपका, आपका आ सकता है बट बिकॉज आई सी ये फाइनली डिसाइड कर रहे है टू कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन अगर ये साइलेंट थे अगर ये कन्फ्यूज थे आई थिंक ये फाइनली डिसाइड कर रहे है कि मुझे सामने आके बात करना चाहिए मुझे प्रॉब्लम को यू नो सॉल्व करना चाहिए ना ही प्रॉब्लम से भागना चाहिए दैट इज़ समथिंग जो मुझे बिल्कुल दिख रहा है मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन से एंड आपके बीच में बट आई थिंक ये पर्सन कुछ बात कर रहे हैं कुछ कन्फेशंस कर रहे हैं लाइक ऑनेस्ट बिहेवियर कर रहे हैं आपके साथ ऑनेस्टी मेंटेन कर रहे हैं अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो सब कुछ प्रॉपर चल रहा है आई फील ये पर्सन अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करेंगे एंड ये बस एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे आपसे ठीक है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अपने प्रॉब्लम्स अपने इनसिक्योरिटीज़ अपने फैमिली प्रॉब्लम्स फिनंशल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम जो भी है कुछ डिस्कस करना चाहेंगे एडवाइस लेना चाहेंगे लाइक like अपने इनसिक्योरिटीज को अपने वालिटी को आपके सामने रखना चाहेंगे ओके okay? um, अगर आप सिंगल हो केप्रकॉर्न आई सी लाइक फॉर सम ऑफ यू आपके लिए एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द एक्स द एक्स इज़ गॉन मुझे सुनाई दे रहा है सिंगल केप्रिकॉर्नस uh, तो अगर आप किसी एक्स के लिए इंतज़ार कर रहे हो या यहाँ पे कोई एक्स पर्सन या एक्स सिचुएशन चल रहा है या आपके माइंड में कोई है जो आपके पास्ट पार्टनर थे एंड यूनिवर्स इज सेइंग डैट वो वो जा चुके दैट वो कहानी ख़त्म है एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पास्ट आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको सामने देखना है बिकॉज बहुत सारे केप्रोकॉन सिंगल्स आप मूव uh, ऑन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो या फिर आपने मूव ऑन तो कर लिया बट फिर भी आपको अपने एक्स से किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन है या आप अपने न्यू पार्टनर में अगर ऑप्शंस ओपन रख रहे हो तो आप वहाँ पे भी अपने एक्स के जैसा किसी को खोज रहे हो अपने एक्स से किसी टाइप का एक्सपेक्टेशन है अगर ये आपका एक्स नहीं है तो आई फील लाइक ये लाइक uh, like कोई करंट पर्सन हो सकते हैं एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट या कुछ करेंगे बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट अगर बार बार आपका एक्सपेक्टेशन टूट रहा है अगर बार बार आपको सेम सेम रिजल्ट मिल रहा है सेम नेगेटिविटीज़ मिल रहा है रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो आपको उसी दरवाजे पे फिर से नॉक नहीं करना चाहिए ओके ट्राई समथिंग एल्स डू समथिंग एल्स ओके दैट वॉज द मैसेज एंड नाउ अगर मैं बात करूँ आपके करियर सिचुएशन की आई फील लाइक आपके करियर में इस टाइम पे काफ़ी सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं देर इज देर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स दैट आर हैपनिंग आई फील फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे एक जॉब चेंज है जो हो सकता है यहाँ पे एक करियर चेंज है जो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप इंटरव्यूज दे रहे हो या लाइक um, like आप कुछ शिफ्ट चाहते हो आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग चाहते हो कंपनी चेंज करना चाहते हो सम थिंग एग्जाम देना चाहते हो डैट इज़ सम जो मुझे दिख रहा है इस दौरान होते हुए आई ऑल्सो सी दिस इज़ अ टाइम जब Uh, थोड़ा सा फिनंशियल स्टेबिलिटी लो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लो uh, मतलब ऐसा नहीं कि आपका रुक रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है लो मतलब क्या लो मतलब uh, आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आपको खर्चा बचा के चलना पड़ रहा है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ रहा है आपके सेविंग्स पे आपके ई पे या um, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो वो थोड़ा सा आपको यू you नो know, लग सकता है कि टफ um, सिचुएशन है या थोड़ा सा कंट्रोल करने से वो ठीक हो जाएगा वो बहुत बड़ी बात नहीं है ओके दैट इज़ वॉट आई सी फॉर योर करियर सिचुएशन नाउ वेन आई कम टू योर एडवाइस आई फील लाइक एप्रिकॉन्स पहला बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा फॉर सम ऑफ यू आप लाइफ में किसी चीज़ से पीछे रह रहे हो बिकॉज आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है या आप वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पा रहे हो मे बी इंटरव्यूज़ में मे बी किसी रिलेशनशिप में मे uh, बी अपने घर पे um, या आपके इन लॉज के पास यू you नो know, आप, आप अपने आप को ठीक से um, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो लाइक like आपके जो आपका जो पोटेंशियल है आपको इतना कुछ पता है आपके जो टैलेंट्स है या आप में जो भी अच्छाई है आप वो पूरी तरीके से दिखा नहीं पा रहे हो सामने नहीं ला पा रहे हो बिकॉज़ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क पुट ऑन करना है आई ऑल्सो सी एक बहुत बड़ा डेंजर है जो टल गया है जो खत्म हो गया है जो चला गया है मे बी ऑलरेडी आपने उस डेंजर को गो थ्रू किया है कुछ लोगों के लिए वो डेंजर आने वाला था बट अब नहीं आएगा इट इज़ डन इट इज़ ओवर सो कोई भी टाइप का टेंशन आप स्ट्रेस आप काइंड ऑफ लेट गो कर सकते हो फॉर सम ऑफ यू ये कोई हेल्थ इश्यू था जिसके बारे में आप वरिड थे एंड यूनिवर्स इज सेंग कि ये इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है ये ठीक हो सकता है इट्स क्योरेबल ओके दैट इज़ वॉट आई कैन सी नाउ आई ऑल्सो फील फॉर योर ओवरऑल आउटकम मुझे जो दिख रहा है इज़ समाइम्स यू नो एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट समटाइम्स हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है या हम जो uh, चाहते हैं प्रे करते हैं मांगते हैं वैसा कभी हमें मिलता नहीं है ठीक है बट आपको ये याद रखना है दैट अगर आपको यूनिवर्स से किसी टाइप का रिजेक्शन मिला है तो वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है अगर आपका कोई ड्रीम जो अभी तक फुलफ़िल हुआ नहीं है कोई आ, कुछ आपने मांगा था जो अभी तक आपको मिला नहीं है वो इसलिए बिकॉज़ यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी लाइक like, उस चीज़ से बिकॉज़ वो चीज़ मे बी आपके लिए सही नहीं है मे बी वो आज आपको मिल गया आज आप खुश हो जाओगे पर कुछ टाइम बाद मे बी वही चीज़ आपके लिए हानिकारक बन जाएगा आपके लाइफ को वो ख़त्म कर देगा यू नो बर्बाद हो जाओगे आप सो so, वो चीज़ टालने के लिए यूनिवर्स ने आप, आपको कुछ नहीं दिया है जो आपने मांगा था एंड दैट इज़ समथिंग इट इज़ टाइम आपको पता है ये चीज़ कौन सा है आपको पता भी है कि ये आपके लिए हानिकारक था या ये आपके लिए सही नहीं था सो यूनिवर्स इज़ सेइंग कि अभी आपको एक्सेप्ट करना है इस यूनिवर्स के डिसीजन को एंड अपने लाइफ को एक्सेप्टेंस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप उसी उसी एनर्जी में जीते रहोगे कि मुझे कब मिलेगा क्यों नहीं मिला क्यों नहीं मिला या मेरा क्या दोष है या यूनिवर्स ने मुझे पनिशमेंट दिया है ये सब मत सोचो ये सब मत सोचो अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो टेक इट ईजी गो स्लो गो विद द फ्लो एंड यू विल देखोगे कि आप शॉर्ट सॉर्ट कर लाओ कर लोगे अपनी लाइफ को यू नो बस एक्सेप्टेंस पे ध्यान दो ठीक है Uh, that is something i have for you my capricorns and i hope this helps you out somehow thank you so much for watching ho, to do like share subscribe to the channel be a part of the family Milungi next reading may till then take care and goodbye